हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीरीज पैरेलल आरएलसी सर्किट पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सीरीज पैरेलल आरएलसी सर्किट का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे इसमें सीरीज में लगे होंगे और कुछ एलिमेंट्स पैरेलल में लगे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है और ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो इसमें एक 4 ओम का रजिस्टर, एक इंडक्टर है 8J ओम का, और ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। वैसे ये वाला रजिस्टर और ये इंडक्टर सीरीज में है, ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है, और ये पूरा सिस्टम इस पूरे सिस्टम के किस में है, पैरेलल में है। और इसके बाद फिर इधर से हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया, और ये वाला कैपेसिटर इस पूरे सिस्टम के सीरीज में है, और इस पूरे सिस्टम के सीरीज में है, और इस सिस्टम के भी सीरीज में है। ठीक, तो क्वेश्चन ये दिया है कि इन द गिवन सर्किट या गिवन नेटवर्क फाइंड नेट इम्पीडेंस अक्रॉस एडी, मतलब एडी के अक्रॉस नेट इम्पीडेंस। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सब केवल रेजिस्टेंस होते तो रेजिस्टेंस में होता तो हम लोग दो रेजिस्टेंस को इसमें पैरेलल में मान लेते, इसके बाद तो फिर अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो उसको सीरीज में और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इस तरीके से हम काम कर लेते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, सब कुछ है। तो अब जब आर एल सी सारे होते हैं तो उसको हम लोग अब इम्पीडेंस के फॉर्म में लिख के काम करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला गया कि नेट इम्पीडेंस अक्रॉस ए डी, करेंट इन ब्रांच ए बी एंड सी डी। अच्छा, ए बी ब्रांच की करंट और सी डी ब्रांच की करंट, जाहिर सी बात है कि बेटा जो करंट यहाँ से फ्लो होगी वो करंट इधर और इधर दो भागों में टूटेगी। इसके बाद फिर यहाँ पर वो दोनों करंट आपस में आके ऐड हो जाएंगी और फिर से वही करंट हो जाएगी। इसका मतलब क्योंकि ये ब्रांच हमारी ए बी और ये सी डी ब्रांच किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ की करंट और यहाँ की करंट क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से करंट दो भागों में टूट गई, इसके बाद तो फिर यहाँ पर वही करंट आके मिल गई, तो ये करंट हमारा सेम होगा। करंट इन ब्रांचेज कनेक्टेड बिटवीन बी सी, अच्छा बी और सी के बीच में दो ब्रांच कनेक्टेड है, एक ब्रांच ये है और एक ये है, तो इनकी करंट, तो आई वन और आई टू हमने नाम दे दिया है उनकी करंट को, तो करंट डिविजन रूल लगा के हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक, नोड वोल्टेजेस वी बी एंड बी सी, अच्छा बी पॉइंट और सी पॉइंट पर कुछ वोल्टेज होगा, इसको हम वी बी एंड वी सी नाम दिया। तो यहाँ पर थोड़ा नोडल एनालिसिस भी देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। फिर टोटल पावर डिसिपेटेड, इसमें टोटल पावर कितना डिसिपेट हो रहा है तो ये देखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर सप्लाई का वोल्टेज हमें पता है, इसका फेज भी देखो यहाँ दिया है 0 डिग्री, ऐसे भी लिखा जाता है, हमने आरएमएस वैल्यू लिखा, कॉमा लगा के इसका फेज लिख लिया, तो एंगल ना बना के हमने ऐसे लिख लिया। तो ये हमारे पास एक वोल्टेज का फेज है। अगर हमें करंट का मैग्नीट्यूड और करंट का फेज दोनों मालूम चल जाए, ये आई का, तो हम फिर से वही काम कर सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। और यहाँ पर देखो इसके आगे पीछे कोई वैल्यू नहीं लिखी गई, तो ये 220 वोल्ट हमारी आर एम एस वैल्यू है। करंट भी जो आएगा वो आर एम एस करंट आएगा, उसका फेज मालूम हो जाएगा, तो हम लोग ये वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा से काम कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है आई स्क्वायर आर, तो हम लोग उसको भी यूज करके यहाँ पर करंट, ये पावर निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है ये। ठीक, तो अब देखो हम लोग क्या क्या, ये देखो ये और ये आपस में किस में है, सीरीज में है, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया Z1। वैसे ही ये दोनों सीरीज में है तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया Z2। ये दोनों सीरीज में है तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया Z3। और ये भी है तो इसको हमने नाम दे दिया Z4। ठीक, Z2 और Z3 आपस में किस में है, पैरेलल में है। जो इसका रिजल्टेंट आएगा, जो वैल्यू इसकी आएगी, वो Z1 के और Z4 के क्या होगा, सीरीज में होगा। तो हमने मान लिया कि Z1 इज इक्वल टू 4+8J, Z2 इज इक्वल टू 2+6J ओम, Z3 इक्वल टू 6-2J ओम एंड Z4 इक्वल टू -8J ओम। अब नेट इम्पीडेंस अक्रॉस AD, AD के अक्रॉस नेट इम्पीडेंस, तो हमें दिखा ये दोनों पैरेलल में है, जो आएगा वो इसके सीरीज में और इसके सीरीज में हो जाएगा। तो हमने लिखा Z1 प्लस Z2 पैरेलल Z3, Z2 पैरेलल Z3 का जो भी रिजल्ट आएगा वो Z1 और Z4 के सीरीज में है, तो Z1 प्लस दिस प्लस Z4। अब Z1 प्लस इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। याद करिए दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते थे तो फॉर्मूला क्या होता था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे ही Z2 और Z3 पैरेलल में है तो Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 करके हमने ये चीज यहां पर मेंशन कर दी है। ठीक, अब सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे
और कैसे कैलकुलेटर में पुट किया जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी। आप कैलकुलेटर में ये टाइप करोगे ऐसे ही ब्रैकेट के साथ, तो आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अब देखो, जेड इज नेट है, जेड वन की वैल्यू 4+8j प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड टू प्लस जेड थ्री किया हमने, और इसको दोनों को पूरा एक बड़े से ब्रैकेट में, ये जेड टू है, ये जेड थ्री है, ये जेड टू है, ये जेड थ्री, तो जेड टू इंटू जेड थ्री अपान जेड टू प्लस जेड थ्री, और इसके बाद हमने एक बड़े से ब्रैकेट में इसको क्लोज किया। सबको हमने ब्रैकेट में लिखा लेकिन ऊपर से एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, प्लस जेड फोर, जेड फोर की वैल्यू -8j है। सॉल्व कर दिया कैलकुलेटर में कैसे टाइप करेंगे, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। 4+8j की जगह 8i लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट बंद किया, प्लस ब्रैकेट ओपन किया, 2+6i इंटू 6-2i, 2+6i इंटू 6-2i ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई 2+6i प्लस 6-2i ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद, और प्लस ब्रैकेट लगा के -8i इक्वल करेंगे, क्योंकि अभी कोई कमांड नहीं दे रहे हैं, तो ये आंसर किस में आएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इक्वल किया तो इसकी वैल्यू आ गई 8। 8 कौन सी वैल्यू है, रियल पार्ट, तो जेड नेट का रियल पार्ट आ गया 8। इस पे शिफ्ट दबा के इक्वल किया, इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया 2i, तो 2i को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2j ओम। तो ये तो हमारा आ गया इसका रिजल्टेंट, जेड प्लस जेड जो नेट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में 8+2j आ गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें किसमें, पोलर फॉर्म में, तो हमारा आंसर आया ही था 8+2j, इसका आर एंगल थीटा में कन्वर्जन इक्वल करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8.2462 हमने लिख लिया, और एंगल इसका 14.0362 हमने ये लिख लिया। अब आपसे यहाँ पर तो मैंने पूछा नहीं है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे कि कोई भी सर्किट दे देगा, मैंने एक क्वेश्चन पीछे दिया भी हुआ है, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ पूछी है। तो अगर आपको एक कोई भी सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया गया है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, देखो नाम आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट इस ऐसा सर्किट होता है जिसमें आर एल सी सभी लगे होते हैं, सीरीज पैरेलल सब कुछ होता है उसमें, सीरीज कनेक्शन भी होगा, पैरेलल कनेक्शन भी होगा, उसमें आर भी होगा, एल भी होगा, सी भी होगा, तो ऐसे सर्किट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। तो आप बताओ, जब रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर का मतलब रियल पार्ट, और कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी पार्ट। तो एक सर्किट के अंदर रियल और कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट अगर दोनों हैं तो उस सर्किट को लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर निकालने के लिए आप उसका क्या निकालो, पहले जेड निकाल दो, ठीक। अब जेड निकल गया तो इसका पावर फैक्टर या तो आप आर बाई जेड कर दो, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में करोगे तो ये आपका क्या है, आर इक्विवेलेंट, और ये क्या है, आपने जो सॉल्व किया इसको कंफर्म, तो जेड इक्विवेलेंट, तो आर बाई जेड कर दोगे तब भी आ जाएगा, या फिर जेड का जो एंगल आया है इस एंगल को ही तो हम पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, यही तो हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है, तो इस एंगल का कॉस ले लोगे तब भी आ जाएगा। चलिए, तो कॉस 14.0362.9701 ऐसे काम कर लो, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है आर बाई जेड, तो इस पूरे जेड नेट का आर कितना है 8, और डिवाइड बाय जेड कितना है 8.2462, ये जेड इक्विवेलेंट सॉल्व कर लोगे तब भी 0.9714 तब भी ये चीज आ गई। तो चाहे तो आप इससे करो, आर की वैल्यू 8 / 8.2462 से कर लो, तब भी वही वैल्यू 0.9701 तब भी आ जाएगा, ठीक। अब बोला जा रहा है ब्रांच करंट इन ब्रांच ए बी एंड सी डी, हमने बताया था कि ए बी और सी डी दोनों ब्रांच में करंट सेम होगी, चाहे ए बी ब्रांच में देखिए इस वाली ब्रांच में, चाहे इस वाली ब्रांच में करंट सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में। तो अब आप बताओ कि हमारे पास पूरे इस सिस्टम का यहां से हमने क्या निकाल दिया है, जेड इक्विवेलेंट या जेड नेट पता कर लिया है, ठीक। सप्लाई का वोल्टेज पता है, तो आई इक्वल टू वी बाई जेड, ओम्स लॉ हमने यहां पर यूज कर लिया, तो I इक्वल टू वी बाई जेड नेट, तो V की वैल्यू 220 एंगल 0, और Z की वैल्यू इतना लिख लिया हमने।
अब ये दोनों के दोनों किस में है, पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म में है तो कोई फायदा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा है वैसा लिखो। 220 एंगल 0 डिवाइडेड बाय कितना है, 8.2462 एंगल 14.0362। सॉल्व, देखो इस पर हमने अभी कोई कमांड नहीं दिया, हमने रेक्टेंगल पोलर फॉर्म में लिखा लेकिन कोई कमांड नहीं दिया, तो हमारा कैलकुलेटर का आंसर किस में मिलेगा, रेक्टेंगुलर में, क्योंकि किसकी डिफॉल्ट सेटिंग रेक्टेंगुलर में होती है। हमने इक्वल किया तो हमारे पास देखो ये रियल पार्ट आ गया 25.8823। तो हमने 25.88 लिख लिया और इसको शिफ्ट दबा के इक्वल कर देंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा और ये आ गया 6.4705। तो 6.47J हमने लिख लिया माइनस में। अब इसी का हम अगर आर एंगल थीटा कमांड दे देंगे इसके ऊपर तो ये आ जाएगा आपके पास 26.6789, तो 26.68, और एंगल आपका आ जाएगा माइनस 14.0362। क्योंकि जब डिवाइड करते हैं, जब पोलर फॉर्म में डिवीजन होता है तो एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनका तो आपस में डिवीजन हो जाता है, और एंगल अगर अपॉन में है तो ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है उसका, तो उस पर साइन चेंज करके हमने यहाँ पर लिख लिया इसको डेसिमलों के टू प्लेस तक लिख लिया। अब आपका करंट आ गया और यही करंट ए बी ब्रांच में भी होगी और यही करंट सी डी ब्रांच में भी होगी। करंट इन ब्रांचेज कनेक्टेड बिटवीन बी सी, तो बी सी ब्रांच में जो कनेक्टेड है, आपके बी सी पॉइंट के बीच में जो ब्रांच कनेक्टेड है, एक ब्रांच आपका जेड टू है और दूसरा क्या है, जेड थ्री। तो जेड टू और जेड थ्री में करंट अगर हमें आई वन निकालना होगा तो ये वाला जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड टू प्लस जेड थ्री इन टू सप्लाई की करंट, यहाँ से चलने वाली करंट कितनी है आई, तो हम डिवाइड आई इन टू आई कर लेंगे। तो हमने लिखा जेड थ्री डिवाइड बाई जेड टू प्लस जेड थ्री इन टू आई, और जैसे हमारा करंट डिवीजन रूल था, ये करंट डिवीजन रूल है ये। तो करंट डिवीजन रूल जैसे हम लोग केवल और केवल डीसी सर्किट में लगाते थे जिसमें रेजिस्टेंस होता था, अगर दो करंट दो ब्रांच है आपके पास आर टू और आर थ्री, उसका रेजिस्टेंस है, तो करंट आपके पास दूसरी वाली ब्रांच डिवाइड बाई दोनों का सम इन टू सप्लाई करंट, वही सेम हम काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में करना होगा। तो हमें जेड थ्री पता है तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, इसके बाद जेड थ्री को हमने एक ब्रैकेट में लिखा डिवाइड बाई ये जेड टू है जेड थ्री प्लस लगाया, तो जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड टू प्लस जेड थ्री टोटल ब्रैकेट बंद कर दिया इन टू आई को हमने, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये लिख लिया। अब इसको मल्टी, जब ऐसे काम करोगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, एक रियल पार्ट दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट, और इसका जब कन्वर्जन कर दोगे आप पोलर फॉर्म में तो यहाँ पर आपके पास आई वन आ जाएगा 18.8649 और इसका एंगल आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया और ये पोलर फॉर्म में। आंसर हम लोग हमेशा दोनों फॉर्म में देंगे, रेक्टेंगुलर में भी देंगे और पोलर में भी देंगे। देखो हमने हर जगह पर जेड को भी रेक्टेंगुलर में लिखा और पोलर में लिखा, करंट जो आया उसको भी रेक्टेंगुलर में लिखा पोलर में लिखा, आई वन जो आ रहा है वो भी रेक्टेंगुलर पोलर में लिख रहे हैं। आई टू क्या होगा, I2 आप देख लो, ये जो I2 होगा वो I में से I1 तो इधर चला गया, बचा कितना I2। तो ऐसा ना कर देना बेटा कि डायरेक्ट आप केवल सब्ट्रैक्ट कर देना, ये 26 आ गया यहाँ पर और यहाँ 18, तो 26 माइनस 18 पॉइंट समथिंग कर दो, तो ऐसा नहीं, इसका एंग फेज कुछ और है, इसका फेज कुछ और है, तो ये ऐसे अपने आप नहीं होंगे, इसे हम लोग कैलकुलेटर से ही काम करेंगे। तो I माइनस I1, हमने I की वैल्यू लिखी यहाँ से और माइनस आई वन जो भी आपने निकाला वो लिखा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और जब इसको कन्वर्ट कर दोगे कैलकुलेटर से पोलर फॉर्म में तो आपके पास ये पोलर फॉर्म में आ गया। ठीक, अब देखो दोनों में मैग्नीट्यूड सेम आया, उसका रीजन ये है कि हमारे पास अगर इस जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, और इसमें देखा जाए तो अंडर रूट सिक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस अंतर क्या है कि इसका रियल पार्ट छोटा है इमेजिनरी पार्ट बड़ा है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये छोटा है और रियल पार्ट बड़ा है, तो एंगल का डिफरेंस होगा जेड टू और जेड थ्री में, जिसकी वजह से यहां पर एंगल अलग अलग आए हैं। ठीक, और अगर आप इन दोनों को, जब इस तरह की चीजें होती हैं इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो लगभग 60 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये, तो 90 डिग्री का डिफरेंस होगा अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो।
ठीक। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज अलग अलग होंगी तो ये अलग अलग आएंगे, ये तो एक स्पेशल केस हमने ले लिया कि ये 2 और 6 है, यहाँ पर 6 और 2 है, तो उस केस में इस तरह की सिचुएशन आ गई, तो I2 हो गया। अब आपसे बात किया जा रहा है नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज क्या है? आई इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई जेड वन। आप बताओ आई अगर हम देखा जाए तो आई करंट यहाँ से यहाँ फ्लो रही है ए से बी के बीच में, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई जेड वन। तो हमने सॉल्व कर दिया, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू जेड वन, तो वी बी इक्वल टू वी ए माइनस आई जेड वन। हमने वी ए को लिख लिया, आई इंटू जेड वन लिख लिया, सॉल्व कर दिया, वी बी आ गया। वी बी को पोलर फॉर्म में लिख लिया, ऐसा आ गया। आई इक्वल टू दूसरी आई अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ का वोल्टेज अगर वी सी है, यहाँ का वोल्टेज वी डी है। अब देखो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज को अगर हम इसको रेफरेंस ले लें तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल टू 220 एंगल 0 डिग्री। तो ये अगर वी सी है तो वी सी माइनस वी डी डिवाइड बाई जेड फोर, तो वी सी माइनस वी डी डिवाइड बाई जेड फोर। तो वी सी वी डी की वैल्यू तो जीरो ही है, तो वी सी इज इक्वल टू आई इंटू जेड फोर। आई और जेड फोर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वी सी आ गया। पावर डिसिपेटेड वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा या आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो आपका वोल्टेज कितना है? 220। करंट की वैल्यू यहाँ पर आई है सप्लाई करंट टोटल, ये देखो ये आई है। तो आपके पास वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, वोल्टेज का एंगल आपके पास जीरो था, करंट का एंगल इतना, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है आई स्क्वायर आर। तो आप देखो कि कितना कौन कौन सा रेजिस्टेंस है और उसमें कौन कौन सी करंट फ्लो हो रही है। अच्छा एक ये रेजिस्टेंस ये है, इसमें करंट क्या हो रही है? आई। ये रेजिस्टेंस है इसमें करंट क्या हो रही है? आई वन। ये एक रेजिस्टेंस है इसमें करंट क्या हो रही है? आई टू। इसका मतलब हम आई स्क्वायर इंटू 4 प्लस आई वन स्क्वायर इंटू 2 प्लस आई टू स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि तीन ही एलिमेंट तो हैं जिसमें पावर डिसिपेट होगी, तीन रेजिस्टेंस हैं और तीनों की करंट का स्क्वायर इंटू दैट रेजिस्टेंस कर देंगे तो पावर निकल जाएगी। तो हमने आई स्क्वायर इंटू 4 आई वन स्क्वायर इंटू 2 प्लस आई टू स्क्वायर इंटू 6 सॉल्व कर दिया इन तीनों को, तो हमारे पास फिर से यही वैल्यू आ गई। तो या तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो या फिर इसको यूज करो, दोनों में से कोई भी यूज करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमने दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि देयर आर टू इम्पीडेंस है, जेड वन इक्वल टू दिस, जेड टू इक्वल टू दिस, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये प्योर पैरेलल सर्किट का है, जेड वन जेड टू दिया है। करंट इन ईच इम्पीडेंस मतलब आपको आई वन निकालना है करंट डिवीजन रूल निकाल के, और आई टू पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो जेड वन जेड टू पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट निकाल दो, जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू, और सॉल्व कर दो, जो जेड का एंगल आएगा उसका कॉस ले लो पावर फैक्टर। टोटल पावर लॉस, तो इसमें आपके पास जेड वन का आर बताओ कितना है? इस जेड वन का आर है 4 और इस जेड टू का आर कितना है? 6 है। तो आई वन स्क्वायर इंटू 4 प्लस आई टू स्क्वायर इंटू 6 करके आप ये निकाल दोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द पावर फैक्टर एंड आई इन द गिवन सर्किट। आपके पास वोल्टेज दिया है, सब कुछ देख लो, ये हमारे पास एक जेड वन हो गया, ये एक जेड टू हो गया, दोनों पैरेलल में हैं। इसके बाद जो आएगा वो इस जेड के साथ सीरीज में होगा, तो सब आप सॉल्व कर लो। जेड का जो एंगल आएगा उससे आप उसका थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। वोल्टेज दिया है, जेड इक्विवेलेंट निकाल चुके हो तो वी बाई जेड कर दोगे तो आपको आई पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे थ्री फेज एनालिसिस। अगले लेक्चर में हम लोग थ्री फेज एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू।